आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। यहाँ पे देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार हरियाणा में टीजीटी पीजीटी पीआरटी और कई पदों पे भर्तियाँ निकली हैं। इसमें म्यूज़िक की भी है, कोच की भी है, क्लैरिकल की भी है और अलग अलग पदों पे भर्तियाँ भी हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है, नर्स की हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे इसमें भर्तियाँ निकली हैं, कितनी भर्तियाँ निकली हैं। यहाँ पे देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार हरियाणा में रिक्वायर्ड टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भर्तियां हैं। तो ये अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पैनल इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट ऑफ विद सीएसबी टेस्ट, जिसका सीएसबी पास होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आर्मी स्कूल आर्मी वर्किंग एजुकेशन सोसाइटी कराती है, वो आपका सीएसबी पास होना चाहिए। और इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए हैं। कब से हैं पहले बता देते हैं आपको, कौन कौन सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू है। मार्च में इंटरव्यू होना है इसका, बताते हैं कौन से डेट को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पीजीटी में देखिए, पीजीटी में कौन कौन से पद है। पीजीटी में इंग्लिश हिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और एक एक पद है, सभी के एक एक पद है यहाँ पे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भर्ती है। क्वालिफिकेशन क्या है, आपका पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और आपको सीएसबी स्कोर कार्ड आपके पास होना, आपको सीएसबी पास होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते। अगर आपका सीएसबी नहीं है आप इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते। अगर लोगों किसी को नहीं पता कि सीएसबी क्या होता है, तो सीएसबी आर्मी स्कूल अपना एक अलग से टेस्ट कराता है, जैसे सी टेट होता है वैसे ही सीएसबी भी आर्मी स्कूल वाले अपने स्कूल में लगाने के लिए सीएसबी इनका एग्ज़ाम होता है, उसको पास करना ज़रूरी होता है। अब टीजीटी में देखिए, टीजीटी में कौन कौन से पद हैं। टीजीटी में ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की पद हैं। ज्योग्राफी के दो पद हैं, बायोलॉजी के एक पद है, फिजिक्स का तीन पद है, मैथमेटिक्स के दो हैं, हिंदी के दो हैं, इंग्लिश के पाँच है, संस्कृत का एक पद है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीएसबी आपके पास होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के अलावा पीआरटी में देखिए क्या क्या पद है। पीआरटी में भी पद हैं, 12 पद हैं पीआरटी में, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की हैं। आपका 2 ईयर का टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए और सीएसबी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और कोचेस की भी भर्ती हैं, अलग अलग एक पद हैं, बास्केटबॉल, टेनिस सबके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इसके अलावा LDC क्लरिकल की 3 पद हैं यहाँ पे, कॉन्टैक्ट बेसिस की हैं। क्या होना चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको और जो है आपके कंप्यूटर में आपकी स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। लैब अटेंडेंट की भी भर्तियाँ हैं, एक पद है लैब अटेंडेंट का, 10th+2 होना चाहिए आपको और साइंस से होना चाहिए और आपका कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। IT एक्सपर्ट की भी भर्तियाँ हैं, एक पद है जो है इसमें आपको यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। और रोबोटिक्स की भी है, नर्स, ड्राइवर, सभी की भर्तियाँ हैं। यहाँ पे देखिए एज लिमिट आपका फ्रेश कैंडिडेट के लिए 40 ईयर और एक्सपीरियंस के लिए 57 होनी चाहिए। इंटरव्यू की डेट जो है 5 मार्च 2020 को है। इसके लिए आपको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार हरियाणा के नाम से, जो कि हरियाणा हिसार में जो है दे होगा, आप किसी भी बैंक से जो है बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो कैंडिडेट हैं उनका जो है कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होगा और जो जिनका हिंदी और इंग्लिश होगा उनका एक लैंग्वेज प्रोफेंसी का भी टेस्ट होगा, ठीक है। सीटेट मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नॉट मैंडेटरी। अगर आपका सीटेट नहीं आता तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका सीएसबी पास होना चाहिए और सीएसबी और सीटेट आपको बाद में पास करना पड़ेगा जब आप यहाँ पे सर्विस में होंगे। तो यही था इसके बारे में और इसके लिए आपको फॉर्म, इनका जो फॉर्म है इनकी वेबसाइट पर है या नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं उस फॉर्म को भर के 5 मार्च से पहले इनके स्कूल में जो है रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट जो है भेजना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके लिए मैं आपको इंटरव्यू में बताऊंगा कि मैं इसका इंटरव्यू दे चुका हूं, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। अगर आप इसके इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।